Assalamu alaikum and congratulations, Shah Saib, on scoring 7 band scores at the platform of Genius Institute Lahore. You done it in IELTS Academic. How are you feeling today, Mr. Shah Saib? I feel really incredible here at Genius Institute after scoring 7 band score. Aur ye 7 band scores ka magical number hasil karne ke liye kya kya papad belna pade aapko? I have done a 1 month preparation here, and alhamdulillah Sir Saqib really helped me a lot, and I main chahunga ki aap thodi sab thoda urdu mein bhi hame mustafiz kare, urdu mein bataiye, jawab dijiyega. To bataiye ki kaise pata chala Genius Institute Lahore ke bare mein aapko? Sir, maine pehle preparation ki thi ek aur institute mein, to baad mein maine internet pe search kiya my nearly areas, तो फिर मुझे ये जीनियस इंस्टीट्यूट का पता चला और फाइनली. और जो प्रिपरेशन कहीं और की थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी आपके मुताबिक? जी बिल्कुल, जब मैंने यहाँ पे ट्रायल दिया पहले, तो आई फील लाइक यहाँ पे मुझे अच्छी एक प्लेटफॉर्म मिलेगी इंशाल्लाह. और ये आप अच्छा प्लेटफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आपको मिला है, और आपने वो कर दिखाया जो आपका ख्वाब था. और 7 बैंड स्कोर्स हासिल करने के बाद जब आपने रिजल्ट कार्ड देखा अपना, तो आई मीन तो कैसा महसूस हुआ? फर्स्ट जो ग्लिम्प्स था आपका, या ग्लांस था जो आपके टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म की जानी, और आपका 7 बैंड स्कोर्स, तो रिएक्शन क्या था आपका? तो सर ऑब्वियसली जब कोई स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखता है तो एक दफ़ा उसको होता तो है, तो मेरी जो होप थी वो ये थी कि मेरे 6.5 आएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 मेरा 0.5 आए. मैंने एक बॉटम पे अपनी होप रखी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट व्हाट आई वांटेड टू गेट. तो अब इंशाल्लाह जो है ग्रेट, और इंशाल्लाह हम दुआगो हैं अल्लाह पाक आपको कामयाब करे. और यहाँ जो जो एकेडमिक एटमॉस्फेयर था जब पढ़ते रहे आप यहाँ, तो वो कैसा आपने पाया? सर देखिए, जब मैं आया था तो मैंने जब देखा यहाँ पे ओवरऑल सारा प्रैक्टिकल वर्क है, आपको जाना होता है स्टेज पे और आपको एक बोलना होता है ख़ुद से एक डिफरेंट टॉपिक पे, जो कि आपको उसी टाइम टॉपिक मिलेगा जब आप वहाँ पे स्पीकिंग कर रहे होगे. तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग. आल्सो बाकी कंपोनेंट्स भी थे, उन पे भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे. तो ओवरऑल जो है वो किस मुल्क पे जाने का इरादा है अब आपका? अभी मैं डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई कर रहा हूँ, UK, कैनेडा, तो जिसमें भी इंशाल्लाह आपको ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह जीनियस इंस्टीट्यूट अगर आपको IELTS में हेल्प कर सकता है, तो आपको वीज़ा सिक्योरिंग में भी हेल्प करेगा, और आपका जो आपका ड्रीम कंट्री है, डिज़ायर्ड कंट्री है, उस पर एडमिशन के लिए आपको प्रोसेस करवाएगा. तो कोई पैगाम देना चाहें स्टूडेंट्स को, क्या करें वो, IELTS कैसे करें, कहाँ पहुँचें, कितना रोज़ाना पढ़ना ज़रूरी है उनके लिए? अच्छा, मेरी सजेशन ये है कि पहले तो आप एक इंस्टीट्यूट इस तरह का देखें जो कि आपको एक कंफर्टेबल हो, आप वहाँ पे आएँ, बातचीत करें, ट्रायल एक अपना टेस्ट दें, देन आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और जो है ना, जब तक आप अपने टेस्ट मॉक टेस्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, आप अपने टेस्ट पे अपीयर ना हो, और जब आपको लगे कि मैं यू कैन गेट दैट बैंड, डिज़ायर बैंड, तो फिर आप IELTS एग्ज़ाम में प्रिपेयर हो. फिर भी इन केस अगर आपको डिज़ायर बैंड नहीं मिलता, तो डोंट गिव अप. आप जो आपने एक ड्रीम सेट किया हुआ है और जो आपकी डिज़ायर्ड आपके ख्वाब हैं, उनको अचीव करने के लिए यू हैव टू डू एनीथिंग व्हाट यू वांटेड टू डू. माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही अच्छा आपने सोल्यूशन दिया है कि एक टारगेट रखें जहन में सेट करके, उसके बाद उसके लिए एफर्ट शुरू करें. और यहाँ जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर में आपको प्रिपरेशन करवाती हैं IELTS के टेस्ट की, और उसके बाद फिर आप जब टेस्टिंग में बैठ जाते हैं, मॉक टेस्ट बहुत सारे होते हैं हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के, तो उस पर फिर पता चल जाता है कि आप एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हो चुके हैं. और उसके बाद फिर हम यहाँ फैसिलिटेट करते हैं आपको आपकी जो IELTS की रजिस्ट्रेशन करवाने में IDP या ब्रिटिश काउंसिल, जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, और उसके बाद फिर आप अपीयर होते हैं और अपना डिज़ायर्ड बैंड स्कोर हासिल करते हैं, और उसके बाद फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका हमने वीज़ा अप्लाई इसी प्लेटफॉर्म से करना होता है फॉर UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप,
और फिर आप को हम इसी तरह से कामयाबी दिलवाते हैं आपकी वीसा एक्विजिशन में भी, चूँकि आपको पता है कि बहुत फ्रॉडुलेंट एलिमेंट है मार्केट में वीसा प्रोसेसिंग के हवाले से, बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड होता है, बहुत से लोगों के पैसे वेस्ट होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं जीनियस में एटलीस्ट इस किस्म का कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो परेशान हो। बहुत स्मूथ सेलिंग होती है, बड़े कंफर्टेबल अंदाज से आपका वीज़ा भी हम प्रोसेस करते हैं। तो शाहज़ेब बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और आपके बैंड स्कोर्स को देख के, जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर का रिकॉर्ड है, कोशिश करता है कि जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर असल में जाना जाता है हायर बैंड स्कोर्स की एक्विजिशन के लिए, तो आपने वो कर दिखाया है। 7 बैंड स्कोर्स जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एट द प्लेटफॉर्म ऑफ जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर इन आयर्स एकेडमिक इज़ अ बिग अचीवमेंट, और इस अचीवमेंट पर हम आपको मुबारकबाद पेश करती हैं आपको, आपके वालदेन को, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको बाकी जितनी भी मंजिलें हैं उसमें कामयाबी अता फरमाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। और आप भाई के बारे में बात करना चाह रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, उसका भी एडमिशन करवाना चाहते हैं आप? जी बेसिकली क्योंकि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे जीनियस में, तो मैं भी चाहता हूँ कि छोटे भाई को अभी मैंने इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए तैयार करवाना है, पहले आइल्ट से पहले उसे एक बेसिक इंग्लिश के लिए एडमिशन दिलवाऊँगा, तो उसके लिए मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, तो अभी मैं अपने छोटे भाई को भी यहाँ पे जीनियस में इंशाल्लाह। यही होता है जी, देखिए इससे बड़ी और क्या हो सकती है, गारंटी हो सकती है कि एक बड़े भाई ने पढ़ा और बहुत एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद फिर उन्होंने आइल्ट्स का एग्ज़ाम दिया, स्मूथ सेलिंग के साथ उनका एक अच्छा बैंड स्कोर आया, और उसके बाद फिर अब उनका वीसा प्रोसेसिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जब स्टूडेंट्स को पता चलती हैं तो वो बड़े ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और अभी छोटे भाई को एडमिशन के लिए लेकर आए, अब इसी तरह से हमारे पास हस्बैंड पढ़ते हैं तो अपनी वाइफ्स को, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, बहन जाती है अपने भाई को ले आती है, भाई पढ़ के जाता है अपनी बहन को, बहुत ही कंजीनियल एटमॉस्फेयर होता है, घर जैसा माहौल होता है, बच्चों बच्चियों के लिए इंतहाई सेफ माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम फजल से, और पिछले 24 साल से रेंडर कर रहे हैं सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन आईएलटीएस स्पोकन इंग्लिश पीटीई एंड स्टडी अब्रॉड। तो बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन, अपने पेरेंट्स को हमारी तरफ से मुबारकबाद पेश करेगा, और अल्लाह पाक आपको और आपके तमाम जितने भी बहन भाई हैं, वालदैन हैं, उनको भी कामयाबियों से हमकिनार करें, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर आपसे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।